सर्विसेज अस्पताल में बिजली बंदिश के बाद जनरेटर भी जवाब दे गए हैं। मशीनें बंद होने से मरीजों के ऑपरेशन मुतासिर होने लगे हैं, जबकि मरीजों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल जी, बिल्कुल। सर्किट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर मिसाइल गन बन चुके हैं। दौरान ऑपरेशन आज डीजल खत्म होने से बिजली चली गई और मरीजों की हालत भी तशवीशनाक हो गई। जो सर्किट अस्पताल का ENT के ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे आज 3 मरीजों के ऑपरेशन चल रहे थे और दौरान ऑपरेशन जो था बैकअप पे जो जनरेटर मौजूद होते थे वो भी जवाब दे के वहाँ पे भी डीजल खत्म हो गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन मसाइल के लिए वीडियो जारी कर दी और कहा कि डीजल खत्म होने से 1 घंटा बगैर बिजली बगैर मशीनों के मरीज बेयारों मददगार पड़े रहे। ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत थी वो मशीनें भी बंद हो चुकी थी। बेहोशी से उठाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है वो भी बंद है और ऑपरेशन थिएटर में चुका बाहर से हवा बिल्कुल नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और जो मरीज थे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यंग डॉक्टर्स ने अपनी वीडियो में ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के लिए बनाई गई VIP ब्लॉक है, इनका जनरेटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जो गरीब मरीजों के ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे डीजल भी नहीं होता और बिजली के लिए बैकअप के लिए कोई सिस्टम भी नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर जो ऑपरेशन है ये भी मुतासर होते हैं। जो मरीज इस वक्त दौरान ऑपरेशन है उनको उठाने के लिए कोई मशीन भी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक है और हुकाम से उनकी जाने से मुतालबा किया गया इस वक्त कोई एक्शन नहीं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया।